आज का पहला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का काल है। अपभ्रंश भाषा का काल तो यह है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो यह मानी जाती है शौर्य सेनी से। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी भाषा का आरंभ कब से शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न लेते हैं, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ये है अब्दुर रहमान। अगला प्रश्न लेते हैं, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है? तो यह है सरहपा। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, हिंदी भाषा की जननी कही गई है। धन्यवाद। तो आज का पहला प्रश्न है, त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह हुई है पाली भाषा में। अगला प्रश्न लेते हैं, अपभ्रंश में कितने वचन और कितने लिंग मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दो लिंग और दो वचन। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र ने अपभ्रंश को किस नाम से बुलाया है? तो यह बुलाया है ग्राभ भाषा, ग्राभ भाषा। अगला प्रश्न है, पैशाची अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है? पैशाची अपभ्रंश का तो यह है पंजाबी। नेक्स्ट है, श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार तो यह है देवसेन की, जो कि अपभ्रंश भाषा में है। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है? धन्यवाद। तो आज का पहला प्रश्न है, अवधी भाषा की श्रेष्ठ रचना पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो यह है जायसी। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है? अपभ्रंश भाषा में तो यह है पौमचर्यु। नेक्स्ट है, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? पाहुड़ दोहा तो यह है राम सिंह की। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति तो यह हुई है अर्धमागधी से। नेक्स्ट है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है? तो यह है अवहट्ट। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से शुरू हुआ? धन्यवाद। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं, सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार है? तो ये है राघवानंद। नेक्स्ट है, सियाराम शरण गुप्त का पहला काव्य है? तो ये है मौर्य विजय। नेक्स्ट लेते हैं, मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूं, किसने कहा है? एमपी द्विवेदी ने। नेक्स्ट लेते हैं, उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा? तो यह कहा है श्रीनिवास दास ने। नेक्स्ट लेते हैं, झूठा सच उपन्यास किस पर आधारित है? तो यह आधारित है देश विभाजन पर। आज का आपके लिए प्रश्न है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है?